हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिगो बर्ड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रिगो बर्ड्स में। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप किस तरीके से अपने बजीज के बच्चे को हैंड टेम्ड करवा सकते हैं, किस तरीके से हैंड टेम्ड करवाएं, इसी रिलेटेड मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली बात तो ये होगी फ्रेंड्स कि आप किस एज का बच्चा चूज़ करें। ज़्यादातर लोगों को इसी बात पर कन्फ्यूज़न होती है, तो आप 10 से 20 दिन तक का बजीज का बच्चा चूज़ करें हैंड टेम करने के लिए, क्योंकि इसे 20 दिन से ऊपर का एज का अगर बच्चा होगा तो फिर मुश्किल होगी उसको हैंड टेम करने के लिए, क्योंकि वो बच्चा फिर हैबिचुअल नहीं हो पाता है सिरिंज या ड्रॉपर से खाने के लिए। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप 10 से 20 दिन तक का बच्चा चूज़ करें, फिर उसको रेगुलर हैंड फीडिंग करवाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड किया करें ताकि वो आपके साथ कम्फर्टेबल हो। और जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो आपके साथ कंफर्टेबल होता जाएगा, और कोशिश करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाथों अपने हाथों पर ही खिलाएं और उसको नई नई चीज़ों की आदत आप देते रहें, नई नई चीज़ें सिखाते रहें, जिससे वो बिल्कुल भी ना डरे और आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए पूरी तरीके से। तो यही एक प्रोसेस है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से बजीज के बच्चे को हैंड फिट करवाते हैं तो मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया हूँ और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड पूरा वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी कि आप किस तरीके से अपने बजीज के बच्चे को हैंड फिट करवाएँ। तो बस यही एक सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा आप उसको विसल करके या किसी सारे से अपने हाथों पर बुलाएंगे जब वो उड़ना सीख जाएगा, और जितना ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा उसको कंफर्टेबल बनाएंगे, उतना ज़्यादा ही वो अच्छी तरीके से आपको पहचान जाएगा और बिल्कुल भी नहीं डरेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये मेरा हैंड टेम बजी है, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल है मेरे साथ, डरता नहीं है, बड़े ही आराम से बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। तो अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े ही इजीली आप भी अपने बजीज को हैंड टेम करवा सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, ताकि इन फ्यूचर मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ और आपके साथ शेयर करता रहूँ। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अलॉट।